हमस एक छोटा सा ग्रुप है जो पैलेस्टीन को कंट्रोल करना चाहता है। ये जो हमस ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी सरकार चला रहा है गाजा स्ट्रिप में, खुद का अपना एम्यूनिशन रॉकेट बना रहा है। अभी इसराइल एयरफोर्स के साथ 10 मोबाइल आयरन ड्रोन एंटी मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम फिलहाल में है। जितना हमस खुद को सोचता है उतना ताकतवर हमस नहीं है। 2007 से ये तीसरी हमस सरकार है यहाँ गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक छोटी सी जगह आता है जिसको पैलेस्टीन अपना कहता है। वेस्ट बैंक में फतह पार्टी के मोहम्मद अब्बास वहाँ अध्यक्ष है, यहाँ हिदायत अयूब यहाँ ये हमस का लीडर है। हमस जितना अपने खुद को समझता है उतना ताकतवर इजरायली आर्म फोर्सेस के सामने बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म वॉरफेयर के लिए हमस के पास उतने आर्म्स और अम्यूनिशन बिल्कुल नहीं है। हमस एक छोटा सा ग्रुप है जो पैलेस्टीन को कंट्रोल करना चाहता है। अभी इस फिलहाल जो हाल ही में हो रहा है इसमें अपने आप को पैलेस्टीन का रखवाला दुनिया को बताने के लिए ये छोटा सा एक रॉकेट का अटैक किया हुआ है। अभी एकदम ये 1000 रॉकेट इसराइल के ऊपर छोड़ा हुआ है, मगर इसराइल की जो अपना सशक्त आर्मी और एयरफोर्स है वो उसको चैलेंज करने में सक्षम में इसराइल सफल हुआ है। हमस में जितने भी वो जो आर्म्स अम्यूनिशन है वो छोटा सा गेरिला वॉरफेयर के लिए काफी है, मगर ज्यादातर लॉन्ग टर्म वॉरफेयर के लिए उतना आर्म्स अम्यूनिशन हमस के पास बिल्कुल नहीं है। ईरान, सीरिया, तुर्की और एक हिजबुल्ला ग्रुप जो रेबेल ग्रुप है लेबनान में, ये 4 देशों अभी फिलहाल में हमस को वेपन्स देने में और सपोर्ट देने में सक्षम रूप में काम कर रहे हैं। ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट से गाजा स्ट्रिप ये जो हमस ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी सरकार चला रहे गाजा स्ट्रिप में, खुद का अपना एम्यूनिशन रॉकेट बना रहा है। डायग्राम पढ़ के और दूसरे देशों की विज्ञानी को लेके टेक्निकल सपोर्ट से खुद वहां रॉकेट्स M75 रॉकेट्स वहां जो बना रहा है जो इसराइल के ऊपर अभी हाल ही युद्ध में चला रहा है। हमस के पास फिलहाल में रॉकेट्स है और मोर्टर्स है और ज्यादा उसके पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए ज्यादा देर तक वो इसराइल के सामने में युद्ध करने में सक्षम नहीं है। ये जो एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ही फुल प्रूफ है और इसका जो मोबाइल जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो जितने भी रॉकेट अभी हमस ने उसके ऊपर फायर किया है उसको डिस्ट्रॉय करने में एब्सोल्युटली सक्सेसफुल हुए हैं। अभी इसराइल एयरफोर्स के साथ 10 मोबाइल आयरन ड्रोन एंटी मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम फिलहाल में है। ये कहीं भी मूव कर सकता है, ये ऑल वेदर काम कर सकता है और इसका एक बहुत ही बड़ा खूबी ये है ये जो टारगेट को जो उनके ऊपर टारगेट किया रॉकेट को आइडेंटिफाई करके लास्ट मिनट में उसके ऊपर अटैक करता है, इसलिए इसके साथ वेस्टेज बहुत कम है और इसकी जो 95% सक्सेस रेट है, इसलिए ये काफी देर तक ये जो जो रॉकेट्स और मोर्टर फायर वहां से आ रहा है उसको निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है एकदम अभी इसराइल की एयरफोर्स ने भी हमस में जितने भी जो वहां से रॉकेट लॉन्च हो रहा है उस देश को नाश करने में ध्वंस करने में इसराइली एयरफोर्स भी सफलता प्राप्त किया है। जितना जितना वो हमस का जो रॉकेट लॉन्चर को नाश करते हैं उतना ये ड्रोन सिस्टम का भी सक्षमता बढ़ता जाता है। फिलिस्तीन का मुद्दा जब तक हल नहीं होगा सारे विश्व इसके ऊपर बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोप यूनियन हो, फिलिस्तीन हो, इजरायल हो, ईरान हो, जो भी बाकी राष्ट्र इस देश में अरब इजरायल वार के साथ जुड़े हुए थे और फिलिस्तीन के काज में जुड़े हुए सब एक मंच पे आके बैठ के इसका शांतिपूर्वक निर्णय नहीं लेते तब तक ऐसे जो गोरिल्ला वारफेयर और फिलिस्तीन और इजरायल के साथ युद्ध हमेशा होता रहता है कि एक धार्मिक और फिलोसफी के ऊपर पॉलिसी के ऊपर निर्णायक
है ये कि फलस्तीन कहता है ये हमारी जगह है और इसराइल कहता है ये हमारी जगह है। इसलिए दोनों के बीच में एक शांतिपूर्वक निर्णय जो होना है, निर्धार होना है, ये सारे विश्व मंच में होना चाहिए। तब तक के लिए ये ऐसा स्कर्मिशेस होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.